हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिन हो गया था ब्लॉग किए हुए, तो आज एक ब्लॉग लेके आया हूँ आपके सामने। आज मेरी नींद 4:30 बजे खुल गई और संडे था फिर भी खुल गई। कहा जाता है ना कि जो सपने होते हैं ना वो बंद आंखों से नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो अपनी आंखें बंद ना होने दें। तो इसी चीज़ के आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं कौन सा रूटीन फॉलो करता था, कैसे पढ़ता था, क्या करता था, कब उठता था, कब क्या करता था, कैसे चीज़ों को मैनेज करता था। और ये वीडियो उन सब के लिए है जो SSC की तैयारी कर रहे हों, UPSC की तैयारी कर रहे हों, जो स्कूल में हों, जो कॉलेज में हों, जो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हों, उन सब के लिए ये वीडियो है। और उन सबका सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है कि भैया आप कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप जब उठते हैं तो आपको अपना बेड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं, जहां आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई रखने से आपके दिमाग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल बना रहता है, आपका माइंड ऑर्गेनाइज रहता है और आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाते हैं। रखा है 4:36 और अब हम चलेंगे थोड़ा सा बाहर। सुबह उठने के फायदे बहुत सारे होते हैं। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ा करो। सुबह उठने से क्या होता है ना कि सुबह उठ के एक हमारे यहाँ जो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, उस ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। सुबह उठने से आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, चारों तरफ माहौल शांत रहता है, तो आप चीज़ें जो करते हैं वो आपके दिमाग में जाती हैं। आप जब सुबह उठ के दूसरा काम जो मैं करने जा रहा हूँ, बाहर टहलने जा रहा हूँ, ये टहलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप जाके फ्रेश एयर में टहलते हो, जब आप जाके बाहर घूम रहे हो, जब सारा कुछ शांत है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस समय जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो आप, जो उस समय सांस में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, वो ऑक्सीजन सीधे आपके दिमाग में जाता है। और जब दिमाग में जाता है आपके ऑक्सीजन, तो आपका दिमाग बहुत ही स्ट्रांगली उस समय काम करता है। और उस समय आप कुछ भी करेंगे, आपका कुछ भी करोगे, उस समय आपके दिमाग में घुसेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए, उसके बाद आइए अपने टेबल बैठिए, सब कुछ सही करिए। टेबल पे बैठ के सबसे पहले अपना दिन भर का एक छोटा सा गार्ड बनाइए। टारगेट छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 20 घंटे का टारगेट बना दिए। टारगेट आपको छोटे छोटे बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट बना के उनको कंप्लीट करना है, और उससे आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये रहा मेरा टारगेट। इसलिए देना है जो भी तैयारी कर रहे हैं, मॉक देने से क्या होता है कि मॉक देने से आपको अपना पीयर प्रेशर कम होता है। ऐसा मॉक अगर आप देते रहेंगे तो जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता है कि मैं कोई मॉक दे रहा हूँ या दे रहा हूँ। मॉक देने से आपका जो सिलेबस होता है वो रिवाइज होता है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, आपके तरह तरह के जो क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं वहाँ पे, तो आपका कंप्लीट सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाता है। और उससे आपका प्रैक्टिस होता है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाते हैं कि आपको मॉक में किस किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। मॉक दे दिया हूँ मैं, मॉक का मेरा स्कोर देख रहे हैं आप, 182 मेरा स्कोर आया है मॉक्स में, और ये मेरा स्कोर स्टैग्नेट है, 160 से लेके 180 के बीच में हमेशा ही आता है। मैंने 2 साल पहले तैयारी छोड़ दी थी, फिर भी मेरा स्कोर आज भी वही है। अब बच गए हैं 6:40 और अब हम जाएंगे जिम की तरफ। जिम जाना है, आप जिम नहीं भी जा सकते हैं, आप बस जाके सुबह अपने छत पे थोड़ा सा कसरत कर लीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर इधर उधर हिला लीजिए। उससे क्या होता है कि कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है, मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ है, ये आप समझ लीजिए बस, ठीक है। तो व्यायाम करना भी आपको बहुत ज़रूरी है, आपको अपने दिनचर्या में व्यायाम को भी लाना बहुत ज़रूरी है। ये व्यायाम करिए, थोड़ा बहुत फ्रेश एयर में बैठ के शांति से सोचिए अपने आप को, कुछ समय दीजिए, 8-10-20 व्यायाम करने के बाद आइए वापस, नहाइए। अब मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति के दिन में होना चाहिए, वो है मंदिर, या आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आप जिस भी देवता को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनकी आराधना करिए। वहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं मांगना है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो, नहीं, सिर्फ 2 कपूर लेके जाइए, वहाँ जला दीजिए और चुपचाप मंदिर पे जाके 10 मिनट तक बैठे रहिए। 10 मिनट तक बैठिए, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत इधर उधर की बातें आएंगी, कभी ये कुछ सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, मतलब कि जैसा लगेगा कि बाढ़ आया हुआ है पूरा आपके दिमाग में। लेकिन आपको ये काम छोड़ना नहीं है, आपके दिमाग में जो ये बाढ़ रहेगा, ये जो आपके थॉट्स, जो आपके ख्यालों के बाढ़ होंगे, ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 1 महीने आएंगे। 1 महीने के बाद आपको ऐसा शून्य महसूस होगा, जब आप वहाँ बैठोगे 10 मिनट तो आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल शून्य हो। और जब आप उस स्टेज पे पहुँच जाते हो, जब आप शून्य की स्टेज पे पहुँच जाते हो, तो आप समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे अपने माइंड का स्टेट जो है वो ऊपर लेके जाते हो।
अब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ अ डे। ब्रेकफास्ट आप लंच 3 बजे कर लीजिए, डिनर थोड़ा सा कम कर लीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशस खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशंस चाहिए तभी आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो स्वस्थ शरीर के लिए ही कर रहे हैं। तो अच्छा सा नाश्ता करिए, जैसे अभी मेरे पास क्या है, मैं आम खाऊंगा क्योंकि सीजनल फल है तो आम खा रहा हूँ। दूध के साथ मैं मूसली खा रहा हूँ। आपके घर में रोटी सब्जी मिलती है, जो भी आपको मिलता है, आप सुबह उठ के चने खा सकते हैं, फूले हुए बादाम खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब अच्छा खा। अब देखिए, आज संडे है फिर भी मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि जो आपके जिम में काम है वो सिर्फ आप ही करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपका कोई गोल है और उस गोल को पाने के प्रोसेस में जो सफ़र आप तय कर रहे हैं, अगर उसको सफ़र में आपको स्ट्रगल नहीं मिल रहा है, अगर उस सफ़र में आपको कठिनाई नहीं हो रही, अगर उस सफ़र में आपको परेशानी नहीं हो रही, अगर उस सफ़र में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तक आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अगर उस सफ़र को तय करते समय आपके बॉडी को आराम मिल रहा है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पढ़ाई, ऑफिस, जो भी आपके बीच का काम है, सब काम करिए छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ करते रहिए। ऐसा भी नहीं कि पढ़ने बैठ रहे हैं तो लगातार 10 घंटे तक पढ़ रहे हैं, नहीं, 2-2 घंटे पढ़िए। 11 तो आज का मेरा टारगेट ये था कि मैं आज ये कंप्लीट करूंगा, और मैंने पढ़ाई भी कर ली अपनी, ऑफिस भी चला गया, मंदिर भी हो आया, कसरत भी कर ली और बढ़िया नाश्ता भी कर लिया। तो ये एक प्रॉपर जो मैंने आपको बताया है, ये आप बिल्कुल फील करिएगा। आप कल सुबह 6 बजे उठिएगा, 4 बजे नहीं उठ पाते तो 6 बजे उठिएगा। अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका पूरा दिन खराब है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पूरे इस ब्लॉग का सार है। अगर आप सुबह 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका पूरा दिन खराब होगा। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप जितना काम करेंगे उतना काम आप पूरे दिन में नहीं कर पाएंगे। अगर इस बात को आप गलत प्रूफ कर सकते हैं तो कमेंट करिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप कहीं भी उसमें मुझसे सहमत नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ सहमत नहीं है, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक ले चलता हूँ, मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में। जय हिंद।